और अब देखते हैं खबरें रफ्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे डिंडौरी की, जहां बेकाबू होकर बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर पलट गया और दो लोगों की जान चली गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार दो लोगों की मौत हो गई। गोपालपुर पुलिस चौकी इलाके की घटना है। आप तस्वीरें देख रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है। बेकाबू ट्रैक्टर पलटा, दो लोगों की जान चली गई। डिंडौरी का यह पूरा मामला, गोपालपुर पुलिस चौकी इलाके की घटना। इधर सीहोर में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और पत्थर चले हैं। खूनी झड़प में 7 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी गई है, दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। जमीन विवाद में खूनी जंग। और अगली खबर रायसेन से है, जहां गेहूं काटते वक्त हार्वेस्टर में आग लग गई। आग के बाद हार्वेस्टर में ब्लास्ट हो गया। बरेली मांगरोल गांव पंचायत के कोटपार महंत की ये पूरी घटना है। गेहूं काटते वक्त हार्वेस्टर में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे हार्वेस्टर को अपनी चपेट में ले लिया। रायसेन के कोटपार महंत की ये पूरी घटना है। हार्वेस्टर में आग लगी। आग लगने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया और ब्लास्ट भी हुआ। आग लगने के बाद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गेहूं काटते वक्त यहां हार्वेस्टर में आग लगी है। और इधर सीहोर में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थर चलाए गए हैं। खूनी झड़प में 7 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी गई है। जमीन का झगड़ा यहां लोगों के ऊपर इस तरह से हावी हुआ कि खून लेने के लिए वो उतारू हो गए। आतंकियों के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले पाकिस्तान में एक अनजान किलर का खौफ चल रहा है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। और अब अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट पढ़कर तो पाकिस्तान में आतंकियों के बीच मानो लॉकडाउन लग गया है। हाफिज सईद अंडरग्राउंड हो गया है तो मसूद अजहर ने भी निकलना बंद कर दिया है। घर में घुसकर मारता है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान में आतंकियों के ऑल आउट की ऐसी खबर चल रही है कि हाफिज सईद से मसूद अजहर तक कांप रहे हैं, क्योंकि आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान में अब आतंकी ही महफूज नहीं है। अब वहां से आतंकी ही भागने में अपनी भलाई समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ISI और वहां की सेना भी अपने लाडले आतंकियों को बचाने में फेल हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर अब जो खबर चल रही है उससे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है। ऐसे नहीं चलेगा, भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही
चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के अलावा वहां के न्यूज चैनलों और आवाम की जुबान पर यही सवाल है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाला भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है? कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा? भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा उसकी खैर नहीं है। देश के रक्षा मंत्री के तेवरों ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। पहले ब्रिटिश अखबार में छपी रिपोर्ट और उसके बाद रक्षा मंत्री का घर में घुसकर मारने वाले इस बयान से पाकिस्तान सन्न है। पाकिस्तान में भारत के अटैक का डर इतना ज्यादा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ सरहद पार जाकर कार्रवाई कर रहा है, अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के इंटरव्यू का हवाला दिया है जिसके मुताबिक 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया और आतंक के सोर्स पर ही हमला करना शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान में 20 आतंकियों की 2020 से अब तक टारगेट किलिंग की गई भारत की तरफ से। कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे। विदेशी अखबार गार्डियन के टारगेट किलिंग के दावे को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने पुराने बयान को दोहराया कि यह गलत और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। टारगेटेड किलिंग दूसरे देश में भारत की नीति का हिस्सा नहीं है। अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने बताया कि हत्याएं यूएई में रहने वाले भारतीय खुफिया विभाग के स्लीपर सेल ने की। 2023 में हत्याओं के मामले बढ़े क्योंकि ये स्लीपर सेल लोकल क्रिमिनल या पाकिस्तानियों को हत्या करने के लिए लाखों रुपए देते हैं। 2023 में 15 लोगों की हत्या की गई। इन सभी को अज्ञात हमलावरों ने करीब से गोली मारी। जी जो किलिंग्स हो रही है, जो टारगेट किलिंग्स पाकिस्तान में इस वक्त जारी है या पहले होती रही है और इस वक्त भी हो रही है, उसमें जी कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अफगान सिटीजन इन्वॉल्व हैं और उनको इस्तेमाल कर रहा है या उनको इस काम पे लगा रखा है इंडिया की एजेंसी रॉन। अखबार के मुताबिक भारत को ऐसा करने के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी से प्रेरणा मिली। दरअसल पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में भारत के दुश्मन एक एक कर जहन्नुम पहुंच रहे हैं। कोई आतंकी सियालकोट में बीच सड़क पर बेमौत मारा जा रहा है तो कहीं आतंकी कमांडर को मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। तो इसी के साथ यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। नमस्कार। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास।